दोस्तों, अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं, अगर आप स्टेशन पर चले जाते हैं और आपका वो ट्रेन है वो आ जाती है, अगर आप जनरल से सफ़र करना चाहते हैं, एसी से जर्नी करना चाहते हैं, तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि जनरल का डब्बा कहाँ है और एसी का डब्बा कहाँ है। अगर बहुत ऐसा होता है कि जनरल का डब्बा आगे रहता है, आप पीछे खड़े रहते हैं, नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जनरल का डब्बा पीछे रहता है, वो आगे खड़े रहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं कि ये ट्रेन में जनरल का डब्बा कहाँ है, एसी का डब्बा कहाँ है और स्लीपर का डब्बा कहाँ है, सभी आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैसे सबसे पहले अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आते हैं इस तरफ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेयर इज माई ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसको ओपन कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में ये नहीं है तो प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, आप जहाँ से जिस ट्रेन से जाना चाहते हैं वो ट्रेन आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा। उसके फाइंड अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ट्रेन देखिए हमारा है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं देखिए हमारा ट्रेन इस तरह देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखिए आपको यहाँ पर टू डे का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके बगल में आपको अलार्म का देखने को मिल रहा है और इसके बगल में यहाँ पर सीट का देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको यहाँ नहीं देखना है, आपको यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पे आपको देखना है। जैसे कि आगे में यहाँ पे देखिए आगे का जो ट्रेन है ये है और इसे करके आप पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे में सबसे एल देखने को मिल रहा है, एल मतलब ये है लेडीज़ कोटा, एक हम लोग को ट्रेन में देखने को मिलता है, ये लेडीज़ कोटा है। और यहाँ पे ई ओ जी मतलब ये है कि अगर कोई किसी का पैर या हाथ डैमेज है तो वो इसमें सफ़र कर सकते हैं। और जी एस यहाँ पर देखिए जनरल कोटा है, और ये भी जनरल कोटा और ये भी जनरल कोटा। और उसके बाद यहाँ पे A2 A1 मतलब AC फर्स्ट है, और यहाँ पे B2 सेकेंड AC, और यहाँ पे देखिए B1 PC यहाँ पे सेकेंड AC। उसके बाद यहाँ पे देखिए S7 S6 S5 S4 S3 यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एक जनरल डब्बा देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप अपने मोबाइल में ही देख सकते हैं कि आपका मोबाइल में जो जनरल का डब्बा है वो कहाँ है, AC का डब्बा कहाँ है और जो स्लीपर है वो कहाँ है, ऐसे ही आप देख सकते हैं। आपको इधर उधर जाने का अब जरूरत ही नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने मोबाइल से ही जनरल का डब्बा कहाँ है, कैसे देखें। वो वीडियो पसंद और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी और वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।